नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो लॉकडाउन की वजह से यार Redmi Note 9 Pro या मैं कहूँ Note 9 Pro Max के यहाँ पे एसेसरीज में बहुत कमी आ गई थी, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था। और यार मेन चीज तो इसकी टेम्पर्ड ग्लास रहती है। आप भी देख सकते हो, मैंने इसको अभी फिलहाल ऐसे ही टेम्पर्ड ग्लास लगाया है जो भी मुझे देखने को मिल गया था यार लॉकडाउन में। और फिलहाल यार ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, फिटिंग वगैरह ज़्यादा बेस्ट इसकी नहीं रहती है। लेकिन फाइनली यार मेरे पास आ गया है यहाँ पे एक्सक्लूसिव Redmi Note 9 Pro या मैं कहूँ Note 9 Pro Max के लिए फुल स्क्रीन का टेम्पर्ड ग्लास, जो कि मोदिक ब्रांड की तरफ से आपको देखने को मिलता है। और अच्छी चीज ये है, Amazon पे भी ये देखने को मिल जाएगा। लिंक मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और यहां पे आपको दिखा दूं कि ये है एक नया कवर जो कि इसमें देखने को मिलता है, इसका रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। काफी कूल यहां पे ये देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो आपको यहां पे यार पुराना वाला अपना टेम्पर्ड हटा दूं, और मैंने यार टेम्पर्ड बहुत ही जो मिला मैंने लगा लिया, आप देख सकते हो। और स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे नोट 9 प्रो में अगर आप बिना टेम्पर्ड के इसको यूज करोगे, तो संभाल के यूज करना, मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये टेम्पर्ड ग्लास आपको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में देखने को मिल जाएगा। और यहां पे ये अंदर आपको मिल जाता है कार्डबोर्ड के केस में, और ये है आपको डी प्लस देखने को मिलता है। और देख सकते हो यहाँ पे फॉर Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max दोनों का ये आपको प्रिंटेड ग्लास देखने को मिलता है, यानी ऑफिशियली फाइनली यहाँ पे आ गया है। तो इसको चलिए जल्दी से आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से लगाना है। वो बहुत ज्यादा ईजी है, ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सो यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज कर लिया है ताकि अच्छे से देखने के लिए मिल जाए। तो सबसे पहले तो वाइप्स इसी के अंदर मिल जाती है, तो इससे जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। ये चीज मत भूलना कि वो सबसे पहले तो आपको वेट वाइप मिलती है, तो वेट वाइप से पहले हम पहले वेट करके इसको जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्लीन हो गया है। अब यहाँ पे आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है, तो उसको लगाना काफी ज्यादा इजी है। और यहाँ पे आप इसको अलाइंस कर लेना अपने हिसाब से, तो आप यहाँ पे देख के यार सही से इसको अलाइंस करना, और जितना अच्छे से आप यहाँ पे इसको अलाइंस कर पाओगे उतना अच्छा आपको ये देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर से अलाइंस कर लेता हूँ, नीचे से पूरा ऊपर तक, और इसको बस एक बार आपको यहाँ पे रख के छोड़ देना है। आप देखोगे जो भी बबल वगैरह अगर आपको देखने को मिल रहे हैं वो सब धीरे धीरे निकल जाएंगे। और ये कार्डबोर्ड बॉक्स का आप अच्छा से यूज कर सकते हो, उससे थोड़ा थोड़ा आप प्रेस कर सकते हो, और जहाँ कहीं भी आपको ये बबल वगैरह फंसता हुआ देखने को मिले आप उससे थोड़ा सा आप प्रेस करके यहाँ पे हर जगह से निकाल सकते हो, और पूरी जगह से बबल निकल जाएगा, देख पाओगे। और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा तो वो धीरे धीरे रिमूव हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये यहाँ पे लग गया है टेम्पर्ड ग्लास, और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और ये चीज मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगी इसकी कि यार पता नहीं चल रहा है कि टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे लगा हुआ है, आप यूजर्स में भी देख सकते हो पता नहीं चलेगा। तो ये चीज काफी ज्यादा बेस्ट मुझे यहाँ पे इस टेम्पर्ड ग्लास की यहाँ पे लगी है। और इस पर मैं कवर लगा के देख लेते हैं कि यार कवर के साथ यहाँ पे ये सही से लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि काफी सारे कवर यहाँ पे फुल स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास के साथ नहीं लगते हैं। तो ये देख सकते हो फुली लग गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें, कवर भी आप इजीली फिट हो जाता है। अगर कवर इजीली फिट नहीं होता ये तो उठ जाता है यहाँ से, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और अब आपका फोन फुली प्रोटेक्टेड यहाँ पे हो जाता है। तो ये चीज काफी अच्छी है मुझे लगी, और ये Note 9 Pro, Note 9 Pro Max कोई भी हो उसमें अच्छे से वर्क करेगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप बाय कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हो। मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।